नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल देवभूमि इंडिया में। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति और साथ में उत्तराखंड के प्रसिद्ध त्योहारों से जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों को देता रहता हूँ। दोस्तों भारत को विभिन्न भाषाओं, विभिन्न त्योहार, विभिन्न बोलियों का देश कहा जाता है, विभिन्नता में एकता का देश माना जाता है। उसी तरह यहाँ हर राज्य में हर त्योहार अलग अलग रूप से मनाए जाते हैं, लेकिन उन्हें मनाने का जो उद्देश्य है वह एक होता है। उसी तरह हमारे उत्तराखंड में भी अनेक ऐसे त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं और अनेक ऐसी भाषाएं हैं जो बोली जाती हैं, तो उन सभी के बारे में मैं आज की वीडियो में आप लोगों को संक्षिप्त में बताऊंगा। इस प्लेलिस्ट में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के इतिहास को जानने के कौन कौन से ऐसे साधन हैं जिनसे आप उत्तराखंड के इतिहास को बेहतर ढंग से जान सकते हैं। उन सभी के बारे में मैंने अपनी पिछली दो वीडियो में आप लोगों को बताया। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की जो संस्कृति है और जो हमारा समाज है वह किस तरह का था और क्या क्या इसमें अभी तक परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में मैं थोड़ी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से हम पर्टिकुलर एक विषय के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अनेक हम आगे बात करेंगे उत्तराखंड की जो समाज और संस्कृति है इसको चार भागों में हम बात प्रमुख वह चार भाग हैं, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और संस्कृति और कला जो हमारे उत्तराखंड की है वह। इन चार भागों में हमने उत्तराखंड के समाज और संस्कृति को बांटा है। पहला जो हमारा है सामाजिक जीवन, इसमें हम बात करेंगे कौन कौन से ऐसे समाज में हमारे कार्य होते हैं, उन सभी के बारे में मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूँ। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों देवभूमि इंडिया ने आप लोगों को उत्तराखंड के इतिहास को जानने के कौन कौन से साधन हैं उन सभी के बारे में बताया हुआ है, किन किन माध्यमों से आप देवभूमि इंडिया के इतिहास को, उसके संस्कृति और उसके रहन सहन को जान सकते हैं, उन सभी के बारे में हमने बताया हुआ है। उन सब वीडियो के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे, आप वहां से उन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आगे हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के पारंपरिक जो भोजन है, जो खान पान है वह किस तरह का था, उत्तराखंड के पारंपरिक पहनावा जो है वह किस तरह का है और क्या क्या बदलाव हुए, इन सभी के बारे में मैं आगे वीडियो के माध्यम से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। उत्तराखंड के पारंपरिक या मनोरंजन के जो साधन थे वह कौन कौन से पुराने समय में थे और इनमें अभी तक क्या क्या बदलाव हुए, उत्तराखंड के लोक वाद्य यंत्र क्या क्या थे, इन सभी के बारे में भी मैंने आप लोगों को बताया भी हुआ है और विस्तार से हम इस सीरीज में जानेंगे, इस पूरी प्लेलिस्ट के माध्यम से जानेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत कुछ नया और बेहतर जानने को मिलेगा देवभूमि इंडिया के इतिहास के बारे में। वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं और प्लेलिस्ट उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। जानकारी उत्तराखंड की संस्कृति और समाज के बारे में, कौन कौन से ऐसे विषय हैं जिसके बारे में हम आगे वीडियो आप लोगों को देने वाले हैं उस बारे में बताया। आगे वीडियो में हम बात करेंगे जो उत्तराखंड का पारिवारिक जीवन है वह किस तरह का था और क्या क्या बदलाव उसमें अभी तक हुए हैं उसके बारे में मैं पूरी जानकारी आप लोगों को वीडियो में देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आई होगी और नेक्स्ट वीडियो में आप जरूर जुड़ेंगे देवभूमि इंडिया के साथ। जुड़े रहें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। मैं उत्तराखंड से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। जुड़े रहें देवभूमि इंडिया के साथ। जय हिंद।